क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, जिसका डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, और इस लूप को रखा जाता है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, और ये लूप जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकल रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस लूप में प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा। ठीक बात। तो इस सवाल को करने का एक तरीका ये है कि मैं पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ये जो 2 सेंटीमीटर वाली जो साइड है, इस साइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी कि ये बाहर निकल रहा है इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है ऐसे। और पहले पार्ट में बताया गया है कि यदि इस लूप को रोटेट कर दिया जाए तो ये 2 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ पे दिखेगी, और हम इस डायरेक्शन में इसको बाहर लेकर जा रहे होंगे। हमें दोनों केसेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है, और ये बताना है कि कितने सेकंड के लिए ये ईएमएफ रहेगा, कितने सेकंड के बाद ये ईएमएफ वापस से ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमें दूसरी बात हमें बतानी है। सो सवाल को करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि मैं मान लेता हूँ कि किसी समय टी इज इक्वल टू टी पर, टी इज इक्वल टू टी पर, ये मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो पर सिचुएशन है, यानी कि इनिशियली ये जो लूप है इस तरीके से रखा है, और एट टी इज इक्वल्स टू टी पर मैंने मान लिया कि आपका ये जो लूप है बेटा ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, और ये डिस्टेंस एक्स हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, 8 माइनस एक्स डिस्टेंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स जो पास हो रहा है इस लूप से, वो फ्लक्स इतने एरिया से ही पास हो रहा होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड रीजन में सबमर्ज्ड है एरिया, उतना ही फ्लक्स वहां से पास हो रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू टी, हम कह सकते हैं फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू एक्स सेंटीमीटर, तो आपको मिलेगा ये 2 सेंटीमीटर इंटू एक्स सेंटीमीटर, तो आपको यहां से मिल जाएगा फाइ इज इक्वल टू 2bx सेंटीमीटर है सब ये, तो यहां से मैं डिफ्रेंशिएट इसको कर देता हूं तो आपको ईएमएफ मिल जाने वाला है, दैट इज डी फाइ बाय डी टी, तो आपको यहां से मिलेगा 2b dx by dt, यानी कि ये वाली जो डायमेंशन है इसके चेंज होने का रेट कितना है, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि x जो है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से बाहर निकल रही है, तो इसकी वैल्यू जो है आप 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रख देंगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रख देंगे। अब जितनी भी क्वांटिटीज जिनमें सेंटीमीटर आ रहा है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक बात। दूसरा सवाल ये पूछा है कि कितने समय तक ये ईएमएफ जो है ये टिकने वाला है, कितने समय तक ये ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा। तो जैसे ही ये जो साइड है ये बाहर निकलने लगती है, जैसे ही कंप्लीटली सबमर्ज लूप बाहर निकलने लगता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन से, तभी ये मैग्नेटिक जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये वहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब जब ये पूरा लूप 8 सेंटीमीटर इधर चल देगा, जब तक ये कम्प्लीटली बाहर नहीं हो जाता तब तक मैं कह सकता हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली जो है ये डिक्रीज हो रहा है इसका एरिया, यानी कि ये मर रहा है बेचारा, और ये कब तक नहीं मरेगा कम्प्लीटली, जब तक इसका पूरा जो पार्ट है बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये कम्प्लीटली डेड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 8 सेकेंड के बराबर समय लगेगा जो ईएमएफ है उसको ज़ीरो होने में। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल आईआईटी जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जेई 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों।
तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। पहले पार्ट में हमें दिया है कि जो लूप है तो ये कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, नो दिस इज हायर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल रहा है विथ स्पीड v इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बाहर निकल रहा है। ठीक बात, अब आपको निकालना है कि EMF जो है ये कितना इंड्यूस होगा और कितने समय के लिए इंड्यूस रहेगा। तो मैंने t इज इक्वल टू 0 पे मान लिया, ये हमारे पास सिचुएशन है, और t इज इक्वल टू t पे बात करें, सो t इज इक्वल टू t पर क्या होगा, कुछ पार्ट आपके लूप का बाहर निकल रखा होगा, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। मैंने मान लिया कि इस लूप का y अमाउंट जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और 2 - y जो पार्ट है, 2 - y जो लेंथ है, पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो फ्लक्स जो है सिर्फ इतने से पार्ट से फ्लो हो रहा होगा, सिर्फ इतने से पार्ट से फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि at t is equal to t जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड b इंटू वाई इंटू 8 सेंटीमीटर। ये आपको फ्लक्स मिल गया, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको इंड्यूस EMF की वैल्यू मिल जाने वाली है, दैट इज इक्वल टू d phi by dt। d phi by dt इज इक्वल टू b इंटू 8 इंटू dy by dt। अब यहाँ पे dy by dt का मतलब समझें कि dy by dt का मतलब है कि y जो क्वांटिटी है उसके चेंज होने का रेट कितना है। y के चेंज होने का मतलब ये है कि स्पीड कितनी है। y जो है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है आप पुट कर देंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सारी सेंटीमीटर वाली क्वांटिटीज को आप मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको आंसर जो है वोल्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम तक ये EMF इंड्यूस्ड होगा, तो मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि भाई जब ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है और जब ये कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है, इस दोनों सिचुएशंस के बीच में जितना टाइम लगेगा वही टाइम जो है उस समय जो EMF वहाँ पर इंड्यूस्ड रहेगा। सो डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड आंसर, 2 सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड है जिसको रोटेट किया जाता है 400 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब ये एंगुलर स्पीड के बारे में बताना चाह रहे हैं। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, यानी कि एक रॉड है लाइक दिस, और इस रॉड को इस एंड से पास होने वाला एक ऐसा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो है इसको रिवॉल्व किया जाता है, रोटेट किया जाता है विद एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड इतनी स्पीड से घुमाया जाता है, और इसका जो अदर एंड है वो एक सर्कुलर मेटालिक रिंग के कांटेक्ट में है। अब देखिए ये घूमेगी और जो मेटालिक रिंग है उससे कांटेक्ट में भी है, तो इसका मतलब हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि जो मेटालिक रिंग है वो इस तरीके से रही होगी, इस तरीके से रखी होगी मेटालिक रिंग। ऐसे ठीक, ये क्या है आपके पास मेटालिक रिंग है, और ये आपके पास जो है ये रॉड है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है लेकिन ये रिवॉल्व कर रही है बिना किसी एनर्जी लॉस के। अब कहा गया है कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया है तो कहीं भी मान ले सकते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है और वो कांस्टेंट है, लाइक दिस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बी के बराबर, मैंने मान लिया 0.5 टेस्ला, इसकी वैल्यू 0.5 टेस्ला। तो आपको बताना ये है कि EMF डेवलप कितना होगा,
इस रिंग और इसके सेंटर के बीच में। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि रॉड के जो एंड्स हैं बेटा, ये एंड जो है ये रिंग से कनेक्टेड है, तो मतलब इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी इस पूरी रिंग का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। इसका मतलब इस रॉड के जो दोनों एंड्स हैं उनके बीच में ईएमएफ डेवलप्ड आपसे पूछ रखा है। तो ये एग्जांपल में भी करा चुके हैं आपको। इस ईएमएफ की वैल्यू आती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसका डेरिवेशन आपको लेक्चर में बता रखा है कि जब आपको एग्जाम्पल्स करवा रहे थे तो उसमें आप देख सकते हैं इसका डेरिवेशन बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू के बराबर ईएमएफ डेवलप होता है इस रॉड में। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। वे सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा आपको 0.5 इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा की वैल्यू जो है वो 400 के बराबर है। 400 इंटू लेंथ कितना है इसका, 1 मीटर है। सो इट्स 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यहाँ से मिलेगा इट्स 200। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो ये बन जाएगा आपके पास 100 वोल्ट आपको मिलेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर के बराबर है और जिसमें 20 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यानी कि आपके पास एक कॉइल है लाइक दिस, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हैं कितने, 20। इसका रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, इस रॉड को रोटेट किया जाता है इसकी वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट किया जाता है और एंगुलर स्पीड जो है वो 50 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। 50 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। अच्छा, और कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला। 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला। आपको बताना ये है कि मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस बताना है इस कॉइल में। ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों देखिए कि ये जो लूप अभी ऐसे रखा है तो मैं कह सकता हूँ इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हैं। मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने लिया है इस तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, जो आपके पास एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। जब इस रॉड को रोटेट किया जाएगा तो रॉड के एरिया वेक्टर का एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ जो है वो अलग अलग होने वाला है लाइक दिस। एरिया वेक्टर ऐसे घूमेगा इस लूप के साथ साथ जो है वो एरिया वेक्टर घूमने वाला है। जैसे मैं पेन को घुमा रहा हूँ, पेन ये एरिया वेक्टर है। पहले एरिया वेक्टर आपकी तरफ था, उसके बाद एरिया वेक्टर जो है ये रोटेट करता जा रहा है और आप यहाँ पे देखें इस रोटेशन को मैं आपके सामने दिखाऊं, देख सकते हैं कि एंगल जो है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद रेट ओमेगा। ओमेगा रेट से चेंज हो रहा है, ओमेगा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ही होता है, एंगुलर स्पीड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, लेट्स अज्यूम एट t = t। मैंने मान लिया किसी समय t = t पर दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा के बराबर है, तो मैं फ्लक्स की वैल्यू बता सकता हूँ। फ्लक्स, हम जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक प्लेन एरिया से यदि फील्ड पास होता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है b a cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको b (a)πr² (cos θ। ठीक बात, मान लिया कि थीटा उस समय एंगल है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स 20 का मतलब है कि 20 ऐसे ही लूप एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। इसका मतलब जो काम एक के लिए क्या है वही काम 20 के लिए भी आपको करना होगा। टोटल फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स b (πr² (cos θ) आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो फ्लक्स आपको मिल गया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d phi बाय dt मैं लिख सकता हूं, या फिर आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आपको ये मिलेगा n b πr², ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने चेन रूल ज़रूर पढ़ा होगा, चेन रूल ज़रूर पढ़ा होगा। तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा बी एन बी पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। ये चेन रूल का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब बेटा जो डी फाई डी डी थीटा बाय डी टी जो है, ये एंगल के चेंज होने का रेट है, एंगल के चेंज होने का रेट। दो लाइंस के बीच में एंगल जो है, यदि वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसे एंगुलर स्पीड कहा जाता है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, एंगुलर स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, माइनस भी था आगे, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है। सो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये ओवरऑल क्वांटिटी कांस्टेंट है, लेकिन साइन थीटा जो है ये वेरिएबल है, बिकॉज थीटा समय के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब साइन थीटा भी समय के साथ चेंज हो रहा है। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यदि मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो आपको राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन के बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दिस एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यही है, यहाँ लिखूंगा मैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा मैक्स। तो ये कितना हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा बेटा, ये क्वांटिटी जो है वन के बराबर हो जाएगी, ये एज इट इज रहेगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैक्स है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब आपसे एवरेज वैल्यू और पूछी गई है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एवरेज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, एवरेज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, आपको इस राइट हैंड साइड का एवरेज लेना है। अब बेटा ये क्वांटिटी जो है कॉन्स्टेंट है, और साइन थीटा का एवरेज आपको लेना है, साइन थीटा का एवरेज होता है जीरो के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का एवरेज, और एवरेज ऑफ साइन थीटा इन वन साइकिल इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा आपके पास जीरो। यहाँ पे आप लिखकर भी उनको बताएंगे एवरेज ऑफ साइन थीटा, एवरेज ऑफ साइन थीटा इन वन साइकिल, साइकिल इज जीरो, इज जीरो। वन साइकिल का मतलब क्या है कि जीरो डिग्री से लेकर 360 डिग्री वाले रीजन में हम बात कर रहे हैं। जीरो से टू पाई में जो साइन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। आप ये भी देख सकते हैं कि साइन थीटा का जो ग्राफ है इस तरीके से होता है, ठीक। तो जीरो, ये पाई, ये टू पाई। तो जीरो से पाई में जितना ये पॉजिटिव वेरिएशन है, पाई से टू पाई में उतना ही नेगेटिव वेरिएशन होता है। यदि इसका हम एवरेज निकालना चाहें तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, टोटल होके जीरो हो जाता है, ठीक। तो आंसर आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये पहले जो पार्ट्स हैं उनका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक। अब ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एन आपको दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, ओमेगा आपको दिया है, आर स्क्वायर आपको दिया है, ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद इस सवाल में दिया है कि इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल। अब मैक्सिमम करंट की यदि बात करनी चाहे तो आई मैक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मैक्सिमम, उसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देखिए आर से आर कैंसिल ना कर दें, आर से आर कैंसिल ना करें, वो रेडियस है, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको कहा गया है कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग, एवरेज पावर आपसे पूछी गई है। सो हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट। जो करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है बेटा ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है ये, और करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ओमेगा
पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ई एम एफ को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक, तो आपको यहां से पावर का जो फॉर्मूला मिलता है, पावर का जो रिलेशन मिलता है, वो मिलता है एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब साइन स्क्वायर का एवरेज जो है वो हाफ होता है, आप याद रखिए साइन स्क्वायर का एवरेज इन वन साइकिल हाफ होता है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो न्यूमरेटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपको रेजिस्टेंस लिखना होगा, और यही आपकी एवरेज वैल्यू की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए एवरेज वैल्यू का, कि किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का आपको एवरेज निकालना है किसी ड्यूरेशन में, हो सकता है किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको एवरेज निकालना है, तो वो टाइम हो सकता है, स्पेस हो सकता है। सो इस फंक्शन को लिखें डीटी का इंटीग्रल डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीटी, ये होता है वैल्यू। तो मान लीजिए आप t1 से t2 के बीच में एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो t1 से t2 जो है उसका एवरेज का फॉर्मूला होगा ये। ठीक, जैसे हम साइन स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं, साइन का एवरेज निकाल रहे हैं, तो साइन के एवरेज कैसे निकालेंगे, साइन एक्स डी एक्स। मान लीजिए आप x1 से x2 निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dx x1 से x2। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, आप साइन स्क्वायर रख दीजिए और आप निकाल सकते हैं वहां पे उसका एवरेज वैल्यू, वहां पे 0 से 2 पाई रखेंगे, 0 से 2 पाई नीचे रखना होगा, तब वो वन साइकिल कहलाएगी। एक साइकिल का मतलब 0 से 2 पाई। ठीक, एक साइकिल का मतलब कि कितने इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, दैट्स कॉल्ड वन साइकिल। ठीक है, ऑसिलेशन में आपने पढ़ा होगा। तो भाई ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा का एवरेज 0, कॉस थीटा का एवरेज 0, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ, ये चार आपको ज़रूरत पड़ेंगे मैक्सिमम। ठीक है, आगे चलते हैं।